सभी को नमस्कार एवं सभी का आपसे केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था अनुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान में संबंध। अब वो अनुसंख्यक गुण के प्रकार अपन पढ़ रहे थे, उनमें अपना हो गया था वाष्पदाब का अपेक्षिक गुण, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण एवं परासरण दाब। तो अपने जो तीन हो गए थे, आज का अपना संख्या गुण रहेगा परासरण दाब। नंबर चार है परासरण दाब, इंग्लिश में इसे कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो सबसे पहले परासरण दाब से पढ़ने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं उनको अपन को समझना है। और उसमें सबसे पहले है विसरण। क्या है? विसरण, डिफ्यूजन, इसको देखते हैं विसरण होता क्या है। तो विसरण क्या होता है, माना अपने एक बीकर के अंदर कोई विलायक भर दिया, सपोज कीजिए पानी भर दिया, और इसमें कैमेलन फ्लोर डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? कैमेलन फ्लोर। तो कुछ समय बाद देखते हैं इस कैमेलन फ्लोर का नीला रंग इस विलायक के अंदर यानी बीकर के अंदर समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है? समान रूप से फैल जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। ठीक है, इसका मतलब ये किसका कार्य कर रहा है? इसके अंदर भरा जल विलायक का। कैमेलन फ्लोर किसका कार्य कर रहा है? विलय का। ठीक है, तो इसमें कैमेलन फ्लोर इसके विलय के अंदर समान रूप से घुल गया। इसका मतलब ये विलय है, ये विलय है, इस विलय के रूप में समान रूप से वितरित हो गया। तो इस विलय का यानी अधिक सांद्रता का कम सांद्रता की ओर गमन हुआ, ये प्रोसीजर ये प्रक्रिया कहलाती है विसरण। तो परिभाषा क्या होगी? विलय वह प्रक्रम जिसमें विलय के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। ठीक है, उससे पहले एक और आता है परासरण। क्या आता है? परासरण। ठीक, इसमें विलय अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गया। इसमें क्या होता है परासरण के अंदर कि वह प्रक्रम जिसमें विलय अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करे वह प्रक्रम क्या कहलाता है? परासरण। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन होता है वह प्रक्रिया कहलाती है परासरण। ठीक, अब इसमें एक शब्द आया है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या आया है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, तो देखते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम भी बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो क्या होती है? वह झिल्ली जो विलय के अणु को तो आर पार जाने देती है परंतु विलय पदार्थ के अणु को नहीं जाने देती है, क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी इस झिल्ली के माध्यम से विलय के अणु तो आर पार जा सकते हैं परंतु विलय के नहीं जा सकते हैं, वो इस क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, तो यह था अपना परासरण दाब संबंधित कुछ परिभाषा। विसरण क्या है, परासरण क्या है और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अब इनके माध्यम से अपन पढ़ेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट अपन छोटा सा करेंगे, उसके माध्यम से हम आसानी से परासरण दाब को समझ जाएंगे। ठीक, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, अपन एक थिसेल कीप लेते हैं। माना ये थिसेल कीप है, इसके ऊपरी मुंह पर मैंने बांध दी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बांध दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दिया और इसके अंदर भर दिया शर्करा का बिल्ली। क्या भर दिया? शर्करा के। मान लीजिए शर्करा के विलयन का स्तर यहां तक है। ठीक है, और इस कीप को
तो ये तो क्या है बीकर, ये क्या है थिसिल की, ठीक। इसमें बरा किसका विलीन है, सर्करा का विलीन, सर्करा का विलीन, ठीक। इसमें क्या बरा है विलायक, क्या है जल, ठीक। तो जैसे इसको उल्टा करके रखते हैं, इसको एक स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं, जैसे इसको स्टैंड पर उल्टा लगा दिया, यहां नीचे के बांध दिया, अर्ध पारगम में चलिए, अर्ध पारगम में झिल्ली, ठीक। तो जैसे इसको उल्टा करके लगाते हैं तो इस थिसिल की नलिका में सरकरा का विलयन का जो तो स्तर है ऊपर चढ़ जाता है। पहले कहां था, यहां तक माना, ये यहां तक आ गया चढ़ करके, माना ये एच ऊंचाई तक चढ़ गया, ठीक। पहले सरकरा विलयन के यहां तक कुछ समय बाद यहां पर चढ़ गया, ठीक। इस साम्यावस्था की स्थिति में, इस एक स्थिति ऐसा थी, इस एक साम्यावस्था की स्थिति में सरकरा की इस विलयन थिसिल की नलिका है, इसमें सरकरा के विलयन का ऊपर चढ़ना रुक जाता है, क्या हो जाता है रुक जाता है। इस साम्यावस्था की स्थिति में जहां सरकरा में का विलयन ऊपर चढ़ना रुक गया, सर इस स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में नलिका के अंदर एक द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण यह विलायक के और अधिक अणु को इस थिसिल की में जाने से रोक रहा है, इस द्रव स्थैतिक दाब को, इस द्रव स्थैतिक दाब को, तो द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न हो रहा है नलिका के अंदर, जो विलायक के और अधिक अणु को इस थिसिल की में जाने से रोक रहा है, उस दाब को क्या कहते हैं परासरण दाब, ठीक है। तो प्राशन के दाब की परिवर्ष बनाए तो क्या हो जाएगी, प्राशन दाब वह द्रव स्थितिक दाब होता है, प्राशन दाब वह द्रव स्थितिक दाब होता है जो विलायक के और अधिक अणु को, जो विलायक के और अधिक अणु को विलयन में जाने से रोक देता है, उस दाब को क्या कहते हैं प्राशन दाब, ठीक। तो यह था अपना इसका डिटेल, प्राशन दाब क्या होता है, विसरण क्या होता है, अर्ध पारगम में झिल्ली क्या होती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में पढ़ेंगे प्राशन दाब के नियम। धन्यवाद।